तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और भाई ये देखो अपनी M15 मेरी। और भाई आज हम अपन ट्रिप मार रहे हैं आगरा का M15 से। और M15 का पहला ट्रिप है भाई। तो जहाँ से आगरा है 185 किलोमीटर, और अपनी जर्नी होती है यहाँ से स्टार्ट। भाई अभी टाइम क्या हो रहा है पूरे? तो भाई पूरे 10 बजे अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है। ये भी अपनी M15 फुल फैसले करेंगे दिल्ली टू आगरा का ट्रक अपना। फॉर्चुनर वालों की बहन की दूर कलों की बात सोच देंगे आगे। तो भाई देखो चीज का ना जो जुनून होना चाहिए, सारी चीज़ें पॉसिबल है दुनिया में। तो चलो भाई यहाँ से होता है अपना, देख लो यमुना एक्सप्रेस से स्टार्ट। पूरा 180 किलोमीटर है। तो बाइक वही अपनी भाई रखेंगे 150-160, नीचे नहीं रखनी बाइक। तो करते हैं यहाँ से जर्नी स्टार्ट। तो भाई देखते हैं आगे कौन कौन सा कोई सीन है या नहीं है। चलो भाई फाइनली चला अपना थोड़ा से पहले एक हाईवे में सारा आ रहा है, यहाँ तक प्रॉपर पहुँच गए। तो भाई भाई यार पता नहीं यार ये M15 में क्या है। भाजी देखो अगर गाड़ी से आए होते ना, खैर अभी यहाँ तो नहीं खड़े होते हम सीधा आगरा में डलवाते, अपने को नीड ही नहीं पड़ती क्योंकि एसी चलता नहीं, एवरेज कैडी दे देती गाड़ी। है हाँ, अरे यहाँ इनकी बहन की आँख भाई अंदर खड़ी करें क्या? हम भी अपनी बाइक हम भी अंदर ही खड़ी करेंगे। हम तो भाई देखो तुम्हारा भाई तो फिर भाई बहन तो बड़े पंगे लेने में सबसे आगे। ओ भाई के भाई एक से एक बाइक खड़ी हुई है यार। भाई ये सब महंगे यूट्यूबर हैं, हम सस्ते यूट्यूबर हैं। मगर पीछे देखो एक अपाचे भी खड़ी है हमारी औकात की। चलो भाई यहाँ पे टोल कटेगा अपना M15 का। मार रही है बड़ी गंदी मार रही है। चलो कोई नहीं देखते कितने का। चलो भाई फाइनली अभी अपनी बाइक जो है पूरी 120 किलोमीटर के आसपास आ चुकी है। और भाई अभी हमने यहाँ पे एक बार ही और रुके देखना भाई 121 किलोमीटर टोटल। और भाई बाइक अपनी चली है टोटली 2200-2300 किलोमीटर टोटल चली है भाई, देख लो इतने टाइम के बाद भी। तो भाई देख लो यही है अपनी गाड़ी, बाइकों से प्यार है, मोहब्बत है, सब है भाई। तो MT15 एक नंबर बातचीत भाई, वो देख लो। तो भाई खैच हम खाच जा रहे हैं, 10 बजे निकले थे घर से। और टाइम अभी दिखा देता हूँ, 11:48 हो रहे हैं यार। रास्ते में ना हम एक घंटा रुक गए थे हाईवे मसाला पे ना, हमने एक घंटे का ब्रेक ले लिया, उसके चक्कर में अपन लेट हो गए। वरना तो भाई बिल्कुल स्लो एक नंबर बना हुआ था अपना। पर चलो कोई नहीं, मज़े लेते हुए जा रहे हैं भाई, कोई जल्दबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। तो देख लो भाई इधर का मौसम भी अभी सही है, कोहरा वोरा भी नहीं है भाई अभी तो हाईवे वगैरह पे किसी तरीके का। तो भाई देखो हमने इसका ना काम करवाया था और मुझे नहीं पता था भाई, देखो इसका एक पहला ट्रिप हमारा यहाँ का बनेगा। तो भाई देखो इसकी पूरी सीट वीट हमने सब पीछे कैरियर क्यूरियर सब लगवा दिया था। देख लो यही है यमुना एक्सप्रेस वे का फन कि अब अपन इधर से जा रहे हैं और एकदम सही है भाई, मतलब मज़ा आ रहा है। तो भाई ये देखो पीछे इसके में अभी रखा हुआ अपनी बाइक का हेलमेट, एक नंबर वाली बातचीत। तो देख लो भाई अभी तो बिल्कुल ब्रांड न्यू बाइक है अपनी, कोई बाइक में अभी तक पुरानी नहीं हुई है। 2200-2300 किलोमीटर टोटल ही चली है अपनी बाइक भाई। तो लो भाई फाइनली ये खड़ी हुई अपनी बाइक। और भाई ये देख लो लास्ट टाइम भी हमने यहीं पर ही खाया था, यहीं पर ही आज भी खाया है।
तो भाई वो देखो, मैं एक चीज़ दिखा देता हूँ, देखो ऊपर रूफ टॉप कैफे बना रखे हैं भाई, ये नाम के ही है, सब चुतियाप है, कुछ खाने का टेस्ट नहीं है, आलतू फालतू पहल से ले लेते हैं। तो भाई देखो खाओ ऐसी जगह जहाँ पे थोड़ा स्वाद भी है और मज़ा भी है। तो भाई चलो बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी है, अब यहाँ से इधर आगरा की तरफ चलते हैं, ताजमहल देखेंगे, ताजमहल देख के दिल्ली वापस। चलो भाई फाइनली 3 बजे ताजमहल के अंदर की एंट्री हुई है, देखो हालत खराब हो गई भाई अभी, इसलिए हालत तो बाइक पर जाने के बाद खराब होगी। ताजमहल में तो ऐसा कुछ है नहीं, एक हफ्ते में मैं 1 महीने में 2-3 बार घूम लिया। ये देखो पाजी गार्ड में कह रहा था ना, हाँ ये टोकन लेके खुद डालते हैं चुराई खाने अपने हाथ से। मैं अभी हल्का सा दिख रहा है। लो भाई मैं तो कह रहा हूँ यहाँ पे मैं इसके यहाँ MDA के फ्लैट है बना के बेच दूँ। आजा तुम दीवारें देख के भाई मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो बाइक की चुल्ली में आ गया, मेरे को तो ये था, मैंने चलो बाइक की गेड़ी हो जाएगी और खड़ी भी रहती है, इस बहाने घूमना भी हो जाएगा। मैं तो सही बता रहा हूँ, मैं तो उसके चक्कर में आ गया था बस। भाई गाड़ी से चलेंगे, बाइक भाई भाड़ में बहन की बाइक नहीं बाइक से नहीं यार, हो गया यहाँ तो हमारे को ना दिन ज़्यादा लेकर चलने पड़ेंगे, इतना धड़ पेड़ वाला सीन हो नहीं पाएगा। नहीं ये ना दीदी घर पर रहेगी। भाई आज तो बहुत ज़्यादा भीड़ है यार, वो देख रहे हो ऊपर वाला बोरा, वहाँ भी नहीं चढ़ने देंगे हमें शायद, अभी 50 रुपये टिकट में वहाँ तक। चलो भाई देख लो, एक नंबर भीड़ हो रही है भाई ताजमहल पे। देख रहे हो भाई कितनी भीड़ है, देख रहे हो भाई बातचीत याराना सा हो गया हमारा तो ताजमहल से, कि घर पे बोर हो रहे होते ना तो हम ताजमहल देखने आ जाते हैं, कभी हमारा जिम कॉर्बेट से हो जाता है, अब हमारा ताजमहल से हो गया। मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल हो जाए हमारा लव कुछ ऐसा, कि थाईलैंड पाईलैंड ही घूमते रहे ना, घुसते हुए अंदर प्लान का वो चीज़ करेंगे नहीं होगी जी, दीवारें देख के वरना यहाँ पे अड़ जाएगा, राम राम लिखा होगा कपड़े का ना। लो भाई चेक दिस आउट, हम पिछले 4 साल से आ रहे हैं, सफ़ेद ही है ना, कलर नहीं बदलना, एशियन पेंट्स वालों को इससे कुछ राय लेनी चाहिए। तो लो भाई यहाँ से फाइनली, देखा भाई पता नहीं वो बोतल रख गया था, स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, मैंने सबसे पहले तो वो पर्ची संभाल के रख रखी थी, मैंने कहा कभी ऐसा ना हवाबाजी में टोल की पर्ची फेंक दूँ, मैंने कहा हाँ भाई ये देखो ये टोल की पर्ची है हमारे पास। चलो भाई अभी इसके अंदर पहले मूत डलवाएंगे, इसका मूत ख़त्म हो गया है भाई, M15 ने बिल्कुल भी अच्छी एवरेज नहीं दी है। ये देखो भाई 200 किलोमीटर चली है और 200 किलोमीटर पर इसकी टंकी खाली हो गई है भाई,
है? गाड़ी खींचो पीछे से। ना ना यार, ये सीट बनवाई है ना तो उसकी वजह से ऊंची हो गई है। होटल वाले फ्री में गाड़ियां भी धो धो के दे रहे हैं क्या? मतलब रूम लोगे तो ये लो पाजी। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से और अभी से थोड़ा सा इज्जत से लेकर जाएंगे। अभी तक तो यही प्लान है, बाकी रास्ते में कोई गांडल मिल गया तो भगाएंगे फिर इसे भी। है चलो भाई, होटल वाले पागल है। क्या क्या? अच्छा साली चुराई खानी को खुद नहीं पता मुझे खाना क्या यार, गरीब होटल वाले पागल है। अंदर जाके ये खाना वो खाना है, ये नहीं है वो नहीं है। अरे बहन की लोड़ी, तूने खाना है खा, नहीं खाना माचूदा। इतना झाटू टेस्ट दे रहे हैं यहाँ के लोग और उसके बाद ऐसा बढ़िया टेस्ट बना के कोई बंदा दे रहा है। बस वो ये ना जगह की कीमत है। क्या माल है यार आगरा में ना। वैसे एक बात है, दिल को बड़ी तसल्ली सी रहती है, सुकून मिलता रहता है। एक घर हमारा यहाँ भी होता मज़ा आ जाता। तो लो भाई फाइनली यहाँ से दिल्ली निकलने का टाइम हो चुका है और भाई एक नंबर करते हुए जाएंगे यहाँ से। हवाबाजी करते हुए फुल बैठ गया 100-150। अभी देखो तुम चार्जिंग स्टेशन दिखाऊँ यहाँ पे, वो देखो अभी अंदर बना हुआ दिखता है। पार्किंग भी है और अगर चार्ज करनी है ना गाड़ी तो पार्किंग फ्री है। नहीं कहीं बना हुआ है यार, चला गया भाई का नहीं देखा। पता नहीं इधर हो गया, मतलब इसी किसी पार्किंग में देखा था यार मेरे को। चार्जिंग स्टेशन था तो भाई हो गया बहुत शुक्रिया। चलो भाई यहाँ से पेट्रोल लगवा लेते हैं फटाफट से। देख लो भाई टंकी एकदम खाली है अपने, तो पेट्रोल यहाँ से डलवा के फिर निकलेंगे और एकदम सूतम साथ जाएंगे भाई, सूतम साथ। चलो भाई फटाफट से यहाँ पे करा लेते हैं भैया, फुल तेल दो इसमें। हाँ मुँह तक ऊपर तक बाहर तक निकाल दो, नहीं बाहर ना टपके बाहर रहेंगे। डाल दो ये नई खुली अभी लग रहा है यहाँ पे, इसलिए हवा ववा सब चालू है। चार्जिंग स्टेशन नहीं बना हुआ भैया इधर कहीं? चलो अभी चार्जिंग स्टेशन भी बन जाएगा जब ज़्यादा होगा। देखे पाजी कितने लीटर की टंकी है इसकी। 10 लीटर से ज़्यादा की क्या ही होगी। वो बहन तो 8 लीटर की है क्या? बस 800 का ही कर देना भैया, आएगा ही नहीं। चलो कोई नहीं, कार्ड पेमेंट है, कार्ड पेमेंट है भैया। चलो भाई चेक कर लो, 8 लीटर की पूरी टंकी है सुअर की। तो 8 लीटर तो बहुत कम है यार पाजी, R15 की तो इससे काफ़ी बड़ी थी मेरी। हैं दे दिया। अच्छा तो चलो भाई टंकी हो गई है इसकी फुल और अब हम यहाँ से फाड़ देंगे, चीरे मारेंगे रोड हो गए। पत्थर का आया था, पेट्रोल कितने का आया था मीटर में देखा था? अच्छा मेरा ध्यान उसी पे था गया है नीचे लीटर पे। तो भाई लो यहाँ से हो गई है बाइक अपनी फुल और अब निकलते हैं यहाँ से दिल्ली के लिए। टाइम तो स्पीड वाला मिलता ही नहीं, कह रहे दुनिया यहाँ पे नॉर्मल नहीं डलवा पा रही, आपको स्पीड चाहिए। अरे मैंने जाया तो देख रहे हाँ।
चलो भाई फाइनली अंदर। टोल आ गया दूसरा टोल, आगरा से निकलते भाई अभी यहाँ से सुनो फेस्टिवल सुनो पहले उनका मिलेगा लेटर ना तो लेटर सबको मिलेंगे ठीक है कोई एक्स्ट्रा नहीं है और दिमाग से बात हटा दो ऊपर काम करो ना फिर लेटर मिल जाएगा। तो चलो भाई यहाँ से हो जाता है एक और टोल अपना तो टोटल भाई देखो अच्छे से आ रहे हैं एक जा चुका है दूसरा ये रहा ठीक है 5 हो चुके हैं 22 किलोमीटर हमने तय कर दिया उससे भाई पर स्पीड हम लोग ज़्यादा नहीं रखना है 90 के साथ साथ में बाइक को चला रहे हैं यार आते हुए बाइक से नहीं आ रहा है सब कुछ तो अभी हम बाइक को से चलो भाई मथुरा वाला टोल क्रॉस कर लिया और अब वी आर टूवर्ड थिएटर नोएडा। भाई रस्ते में जगह जगह है भाई यार इतना पैदल हमारे के बाद ग्राउंड में तो हो ही गया चलो कोई बात नहीं पहले जो डर भी होता था
वापस भी जा ही रहे हैं, तो वही है भाई। देखो पूरी बाइक अब चलेगी, और ये देखो भाई रेते में चला रहे हैं, बाइक गंदी कर रहे हैं, जिससे जब धुले तो थोड़ा वर्थ लगे कि हाँ भाई बाइक गंदी थी तो बाइक को धोने की जरूरत थी। मगर ये बहन का उड़ा है, हमसे से पहले कौन उड़ा गया है। तो चलो भाई यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं, और हमारी VIP एंट्री होगी, पर होगी कहाँ वो रहा। VIP एंट्री तो लोड़ा होगी, बहन की लोड़ी। ये गाड़ी वाले कहाँ जा रहे हैं, इधर उधर जा सकते हैं क्या? उधर लिखा है ना टू व्हीलर, कहाँ लिखा है कार का ऊपर तो टू व्हीलर लिखा हुआ है, लिखा नहीं है ये रहा टू व्हीलर। हमारी गलती थोड़ी ना, ऊपर तो है तो आपको ऊपर पढ़ लो, आप भी शायद आपको टू व्हीलर लेन लिखा है। अरे तो लिखा है, आ जाओ ना, आओ ना, अरे आओ, इस पे लिखा होगा यार। अरे तो भी जान रहे हैं भाई, मैं तभी तो कह रहा हूँ हम पढ़े लिखे नहीं, हम तो गवारे। मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, बाइक करके बाइक लाइन में चले जाओ, ये पढ़े लिखे हो तो गाड़ी बाइक लाइन में चले जाओ, बाइक दिख रही है लाइन में लगी है। अरे भाई तो जहाँ लिखा हुआ है तुम अपना बोर्ड तो देखो, समझ में ये नहीं आ रहा कार जा रही है इसमें। अरे तो बोर्ड क्यों लगा रखा है भाई, वहाँ पे लाइन खड़ी है उसको नहीं देख रहे हो? अरे तो इधर भी आके बोर्ड देख लो ना पहले, पीछे लो चल बहन के लोड़े। तो भाई देख लो, आपको एक चीज और दिखा देता हूँ। तो भाई देखो अपने पास तो थी ना स्लिप थी, ये देखो पूरी, ठीक है। और ये देखो भाई पूरी दिल्ली तक की कटी हुई है, इसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमारे को अभी पैसे देने थे या कुछ देना था। मगर भाई देखो उस बंदे की ना गलती थी, इन बहन के लोड़ों को ना चुदाई खानों को जो टोलों पे बैठते हैं, माँ के लोड़ों को बोलने की तमीज ही नहीं है, इसकी तो बहन ही चोट देता मैं भाई। देखो मेरी जवान है गंदी, मैं इसलिए अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा के घूमता हूँ ओनली फॉर एडल्ट। अगर आप लोग सोचते होंगे ना कि भाई ओनली फॉर एडल्ट, पता नहीं भाई ने क्यों लिखवा रखा है ये है वो है, भाई मैं हूँ उनका गंदा। अगर कोई बंदा मुझसे गंदे तरीके से बोलेगा, उसकी माँ का घोसड़ा बहन का रोड़ा वो होगा मेरे घर का। मगर भाई देख लो हमारे पास सारी पर्चियाँ थी, सब कुछ था अपने पास, हर चीज है। अगर बहन के रोड़े को भाई देखो सब इज्जत से बोलेंगे। अभी आप वीडियो में चेक कर लेना कि पीछे ना ऊपर की तरफ मैंने दिखाया टू व्हीलर का रोड पर लगा हुआ था कि ऊपर से आ सकते हैं। उसके बाद वो बैठ कर कह रहा है कि हमें पढ़ना नहीं आता था, तो उसके रोड में पढ़ने बाहर निकलते हैं। क्या बताओ मेरा क्या गया, मेरा तो लट गया, मेरे पास तो पर्ची भी है, मैं तो वो दिखा दूंगा। उसके बोलने का तरीका देखा था, उसका कोई बात नहीं भाई।